हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप रावी हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया चार चीज़ें ये मोमिन की अलामत हैं, मोमिन की पहचान है। चार बातें ऐसी हैं जो हमेशा मोमिन के अंदर पाई जाती हैं, एक कामिल और मुकम्मल मोमिन की अलामत हैं जो आकर इसरातुसलाम ने बयान फरमाई। पहली अलामत आपने इरशाद फरमाया कि वो खामोश रहता है। अस्सकूतुस्सलाम, खामोशी में ही सलामती है। जितनी कम गुफ्तगू करता है उतना वो अपने आप को महफूज रखता है। और खामोशी जो है ये इबादत का आगाज होता है कि इंसान दुनिया की सारी बातों को, दुनिया की गुफ्तगू से किनारा कश हो, उसे एक तरफ कर दे और अल्लाह के जिक्र फिक्र में लग जाए। तो पहली अलामत मोमन की ये बताई गई कि वो खामोश रहता है। ज्यादा से ज्यादा जरूरत के तहत जितनी जरूरत है उतनी गुफ्तगू करता है और फिर वो खामोश रहता है। दूसरी बात फरमाई कि आजजी, इनकी सारी तजल्लुल और ताबुदियत, ये भी मोमिन की निशानी है कि वो जब भी कोई काम करता है, कोई बात करता है तो बड़े इज्जत के साथ, बड़ी इनकसारी के साथ, और अपने आप को वो सबसे निचला आदमी समझता है, दूसरों को अपने से ऊपर समझता है। मैं नुमार फरीदा तनिक्की करके कुट, बड़े खजाने रब दे फिर जिवें चावे पिया लुट। यानी अपने आप को मिटाइए, अपने आप को मार दीजिए, दूसरों से अपने आप को कमतर समझिए, दूसरों को आला समझिए, आजी का इजहार कीजिए। यह भी मोमिन की एक अलामत जो है वो बयान की गई है। और तीसरी अलामत मोमिन की के जिक्र इलाही, हमा वक्त वो अल्लाह के जिक्र फिक्र में लगा रहता है, रब रब करने में वो लगा रहता है, अल्लाह का जिक्र उसकी जुबान पे जारी रहता है। जैसे एक शख्स ने आके अल्लाह के नबी से पूछा कि मुझे सबसे आला अमल बताइए, तो आकर सलाम ने फरमाया हमा वक्त तू जिक्र इलाही में लगा रहे, हमा वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहे, हत्ता कि तुझे मौत भी आए तो तेरी जुबान पे अल्लाह का जिक्र जारी हो, अल्लाह अल्लाह तेरी जुबान पे जारी हो, उधर तेरी रूह निकल रही हो। तो ये सबसे आला तरीन अमल है कि बंदा हमा वक्त अल्लाह का जिक्र करता रहे। और ये तीसरी निशानी मेरे आका अली सलाम बता रहे। और चौथी अलामत करीम आकर सलाम ने इरशाद फरमाया मोमिन की वो शरीफ व तबा होता है, वो बदमाशियाँ नहीं करता, वो गलत बातें नहीं करता, वो किसी पे हमला नहीं करता, इंतहाई शरीफ व तबा, सलीम व तबा होता है, फितरत और नेचर के असूलों के मुताबिक वो जिंदगी गुजारता है। तो ये चार चीज़ें हैं जो मेरे आकर सलाम ने ताजदार अम्बिया ने बताई हैं कि एक मोमिन की ये अलामतें, उसके अंदर ये चार चीज़ें ज़रूर पाई जाती हैं।